Number one, how to check your mobile IMEI number? The code is *#06#. दोस्तों आइए पहला नंबर का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपका डायलर पहले ओपन कीजिए। मैं अपना डायलर ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपने आपका जो IMEI नंबर जो मोबाइल का होता है, दो, जैसे मेरे मोबाइल में दो सिम कार्ड डालते हैं, यानी कि दो IMEI नंबर मेरे पास इस फ़ोन में होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे डायल कर रहा हूँ *#06#, तो देखिए मेरे IMEI नंबर 1 और 2 दोनों यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, ये IMEI कोड मोबाइल में क्यों रखा जाता है, इसका बेनिफिट्स क्या है ये बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका फ़ोन कहीं लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, इन केस ऐसा हो जाता है, आपने इस नंबर का बेस पे कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करके आपका फ़ोन का सारे डाटा इरेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इस कोड को ज़रूर ट्राई कर लेना एक बार, अगर ज़रूरत पड़े आपका EMI नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला स्टेप में क्या बताना है। Number 2, स्टैटिस्टिक्स एंड सीक्रेट मेनू। यू कैन गेट वाईफाई, बैटरी एंड CPU डिटेल्स। द कोड इज *#*#4636#*#*#. सी प्रैक्टिकल। दोस्तों आइए दूसरा नंबर का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि उसमें बताया गया कि इस कोड की मदद से हम अपना मोबाइल का बैटरी, CPU और वाईफाई का सारे डिटेल्स कैसे देखना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको आपका डायलर में जाना है, और डायलर में जाने के बाद उस कोड को एंटर करना है, *#*#4636#*#*#. इसको दबाने के बाद कुछ नहीं करना, अपना आप ऑटोमेटिक आपके सामने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि इस फ़ोन में दो सिम डले हुए हैं, तो इसीलिए दो फ़ोन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। पहला जो है फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, इसको दबा लेते हैं। इसमें सारे डाटा, एक नंबर सिम का क्या क्या है, जैसे मेरा एक नंबर सिम नेटवर्क इनेबल, ये देखिए LTE का, 4G का, ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है बीच में 4G। फिर बाकी सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। वैसे ही सेम इन्फॉर्मेशन फ़ोन नंबर 2 में भी है, उसमें GSM के लिए है, यूज़ कर रहा हूँ तो GSM का दे रखा है कंपनी ने, तो उसमें भी लिखा आ रहा है GSM सर्विस इन इन सर्विस और रोमिंग नोट जो लिखा आ रहा है, सारे कुछ डिटेल्स इसमें आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और साथ में आप बैक जाइए तो यहाँ पे बैटरी का इन्फॉर्मेशन, क्या बैटरी है, स्टेटस क्या है, प्लग क्या है, बैटरी का लेवल क्या है, स्केल क्या है, हेल्थ क्या है और वोल्टेज क्या है, टेम्परेचर भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें बैटरी का इन्फॉर्मेशन, साथ में यूसेज स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आपको क्या यूजेस किया है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मैंने किस एप्लीकेशन को किस टाइम से किस टाइम यूज़ किया, ये सारे इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बैक जाता हूँ। नीचे वाईफाई इन्फॉर्मेशन, वाईफाई का ये सारे इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जान लीजिए ये कोड को, आपने याद करके रख लीजिए, कभी इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप खुद ही चेक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए अगला स्टेप में क्या बता रहे हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। Number 3, हाइड ऑल डायल कॉल हिस्ट्री। द कोड इज *#31#. लेट्स सी द प्रैक्टिकल। दोस्तों आइए जान लेते हैं 3 नंबर का प्रैक्टिकल कैसे पूरा करना है। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल का डायलर को ओपन करना है, और इसमें वो कोड आपने एंट्री करना है, जैसे *#31#. ठीक है दोस्तों, आप देख लिया आपने, कुछ समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बैक करता हूँ, इसको काटता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मेरी सारे रिसेंट कॉल्स कितने पड़े हैं, इतना पड़े हैं। अगर मैं इस कोड को जाके एंटर करूँगा *#31#, सारे मेरे रिसेंट कॉल्स जो है, ये देखिए सारे रिसेंट कॉल्स जो है वो गायब है। ठीक है दोस्तों, इस कोड को शायद आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा, तो एक बार
इस कोड को भी अप्लाई कीजिए। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। फॉर एक्टिव कॉल वेटिंग द कोड इज *43# #5 डीएक्टिव कॉल वेटिंग एंड द कोड इज #43#। लेट्स सी द प्रैक्टिकल। दोस्तों आइए नंबर 4 और 5 का भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कोड में बताया गया कि आपको कैसे अपना वेटिंग कॉल्स को एक्टिव करना है। नंबर 4 नंबर पे ये बताया गया और #5 में ये बताया गया कि आपका वेटिंग कॉल को कैसे डीएक्टिव करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाला जो एक्टिव के लिए क्या करना है, आप डायलर फिर से ओपन करना है। तो इसका कोड जो है *43#, इसको टाइप करने के बाद कॉल बटन पे प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कॉल वेटिंग सर्विस वाज एनेबल, यानी कि मेरा वेटिंग कॉल एनेबल हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे मैंने आपको दूसरा डीएक्टिव का भी बता देता हूँ। फिर से क्या करना है, आपने फिर से डायल बटन पे जाना है और *43# ये दबा के आपने फिर से कॉल बटन पे प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपका एक्टिव कॉल डीएक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि कॉल वेटिंग सर्विस हैज़ बीन डिसेबल, जो पहले इनेबल हो गया था अपना पहले वाला कोड से, अब दूसरा कोड से ये डिसेबल हो गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ सिर्फ आपको टेस्ट के माध्यम से बताऊँगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, क्योंकि ना अगला 2 स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बड़े सावधानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसको मैं अभी नहीं कर पाऊँगा प्रैक्टिकल। इसका मेन कारण ये है, रीज़न जो है ये कि आगे अगर वो दोनों स्टेप को मैंने प्रैक्टिकल करूँगा तो फिर मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ना मेरा फ़ोन का सारे डाटा इरेज हो जाएगा, यानी पूरा उड़ जाएगा और मोबाइल बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। तो आगे का जो स्टेप दोनों आपको सीखने के लिए मैंने दे रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी ज़रूरत पड़े तभी करना, अदरवाइज गलती से भी नहीं करना। आप अपने माइंड में ये रख लेना, ये कोड इसके लिए यूज होता है सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला स्टेप आपने जान ले। 6 फैक्ट्री रिसेट क्वेश्चन, कोड इज *#7780# #7 फुल फैक्ट्री रिसेट एंड कोड इज *2767 *3855#। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रोज़ नया नया वीडियोज पोस्ट करता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों।